हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? जीएस भाई सदेव सर चैनल इधर है। आइए, तो आज हम लोग को पढ़ना है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बहुत हद तक आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया है कि उच्चारण के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। पहला है निरुनासिक, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है सानुस्वर और चौथा है विसर्ग युग। तो पहला है निरुनासिक। निरुनासिक का मतलब जो है, बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है। थोड़ा बल अगर हम देंगे मानस पटल पर तो आसानी से हम समझ जाएंगे। निरुनासिक का निर्माने नहीं, निर्माने बिना, निर्माने ही, अर्थात जिसमें नाक का प्रयोग नहीं किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? निरुनासिक कहते हैं, या इसको हम ऐसे कहते हैं, वैसे स्वर जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, सिर्फ मुंह से होता है, उसे हम निरुनासिक कहते हैं। जैसे में अगर आपसे पूछे तो जैसे में अ आ हरसी दीर्घी उ हरसु देव ए ए ओ ओ, ये जितने जो स्वर है यह सभी क्या है? ये निरुनासिक है, अर्थात इनका उच्चारण किससे होता है? मुंह से होता है। इसीलिए आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा निरुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर बता रहा कि मुझे तैयार रहना होगा। निरुनासिक स्वर वह है जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, सिर्फ मुंह से होता है, उसे निरुनासिक कहते हैं। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ है अनुनासिक स्वर वह है जिसका उच्चारण मुंह, जिसका उच्चारण मुंह प्लस नाक दोनों से होता है, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और है कि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में कोमलता होती है। क्या होती है? कोमलता होती है। क्या होती है? कोमलता होती है। और इसमें इसका उदाहरण जाने तो कैसे होंगे? चंद्र बिंदु, इसमें क्या होता है? चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है। जैसे अपने लिखते हैं अ पर अगर चंद्र बिंदु है, आ पर चंद्र बिंदु है, तो इसमें चंद्र बिंदु होता है। जैसे हम लिखते हैं आंचल, आंचल कब क्या लिखते हैं? आंचल क्या लिखते हैं? पूंछ। तो इसमें क्या हुआ? इसमें चंद्र बिंदु होता है, और जब भी चंद्र बिंदु जहां लगता है उसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। तीसरा है सानुस्वर। सानुस्वर वह है जो इसका जो स्वर के अंत में लगता है। किसके अंत में लगता है? स्वर के अंत में लगता है। जैसे हुआ, जैसे हमने लिखा संत, संत में अनुस्वार लगा, तो संत में हमको यह समझने की जरूरत है स स हलन जोड़ अ बराबर क्या हुआ? स। तो संत में अ लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर अनुस्वार लगा, तो इसलिए कहा जाता है कि स्वर के अंत में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे हम लिख रहे हैं, इसके अलावा और जो हमें समझे, संत में हमने अंत, अंत अगर हमको लिखना है अंत, तो अ क्या है? स्वर है। तो अंत में भी इसका परिभाषा है सानुस्वर वह है स्वर के बाद में अनुस्वार का प्रयोग होता है। फिर हमने लिखा पंत, अगर हम लिखते हैं पंत, पंत हुआ क्या? हुआ पंत। तो इसको हम ऐसे समझे प हलंत जोड़ अ बराबर क्या हुआ? तो प हुआ, तब यहां अनुस्वार होगा। ये क्या हुआ? को स्वर के बाद अनुस्वार का प्रयोग होता है। और लेकिन इसकी इसकी एक विशेषता यह है कि सानुस्वर में कठोरता होता है, अनुनासिक में क्या होता है? कोमलता, और सानुस्वर में क्या होता है?
कठोरता को याद रखने की जरूरत है। फिर चौथा है ईश्वर युग। ईश्वर युग इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, इसका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। इसका प्रयोग किसके बाद होता है? स्वर के बाद होता है। जैसे हम यह प्राय, हमने क्या लिखा? प्राय। क्या लिखा? प्रात। हमने क्या लिखा? प्रात। तो प्राय में जैसे हमने लिखा प्रा प्रा, यह जो है यह जो बना है यह, इसमें यह हलंत जो अ है, तो यह के बाद विसर्ग लगा, इसलिए कहा जाता है विसर्ग जो का प्रयोग स्वर के बाद होता है। प्रातः प्रातः में भी तो हलंत जोड़ो है, उसके बाद विसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए कहा जाता है स्वर विसर्ग युक्त वह है जो जिसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। इसीलिए इस विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग युक्त कहते हैं, अर्थात यह विसर्ग जो लगता है वह स्वर के बाद लगता है। जैसे हमने देखा यह हलंत जोड़ अ में लगा, तो हलंत जोड़ अ लगा, अर्थात विसर्ग युक्त वह है जिसका उपयोग स्वर के बाद। दुख यह इसमें मुख, सिर्फ मुंह की प्राथमिकता है, इसे मुंह और नाक दोनों की प्राथमिकता है। अनुस्वर वह है जो स्वर के अंत में लगता है, और विसर्ग वह है जो स्वर के अंत में लगता है। जय हिंद, जय भारत।